सैलून के अंदर कटिंग करवा रहे सरपंच की गोलियां मार के हत्या कर दी गई है। उसनू मौत दे घाट उतारिया गया है। बेदर्दी दे नाल उसका कतल किया गया है। चढ़दी सवेर दो हमलावरां दे वल्लों वड्डी वारदात नूं अंजाम दिता गया। जदों सैलून दे अंदर एक सरपंच कटिंग करवा रहा सी तां तुरंत उसते हमला किया जांदा, गोलियां चलाईयां जांदियां ने ते उसनूं मौत दे घाट उतार दिता जांदा है। तां दस दईए कि सैलून दे मालक दे वल्लों दस्सिया गया है कि एक लोहे दी बुक्कल मार के नौजवान उसके सैलून के अंदर आता है ते आके कहिंदा है कि मैं कटिंग करवानी है। जदों उसनूं वेट करन दे लई कहा जांदा है तां ओह उत्थे ही खड़ा रहिंदा है ते जदों कटिंग करवा के सरपंच फ्री हुंदा है तां ओह उसदे गोलियां चला के मौके तो फरार हो जाता है। हालांकि इस पूरी घटना दी सीसीटीवी भी सामने आ गई है। सीसीटीवी दे विच देखिया जा रहा है कि दो हमलावर जिहड़े ने मोटरसाइकिल ते सवार हो के आए, लोई दी बुक्कल मार के सैलून दे बाहर खड़े हुंदे ने। एक मोटरसाइकिल ते इंतजार कर रहा हुंदा है ते दूजा सैलून दे अंदर हुंदा है। गोलियां चला के सरपंच दे गोलियां मारन तो बाद दूजा भज्जिया हुंदा है, मोटरसाइकिल ते बैठदा है ते दोवें जने 9 तों 11 हो जांदे ने। इह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे दे विच कैद होई है। सरपंच दा चढ़दे दिन ही कतल किया गया है। बेदर्दी दे नाल मौत दे घाट उतारिया गया। दो गोलियां लगिया ने सरपंच दे, दसिया जा रहा है कि जिस वेले गोलियां लगिया लहू लुहान होया तां तुरंत उसनू अस्पताल लैके गए। अमृतसर के अस्पताल दे विच उसनू रैफर किया गया जिते डॉक्टरों के वलों उसनू मृतक ऐलान दिता गया। सरपंच का चढ़ते दिन ही कतल किया गया है। बेदर्दी दे नाल गोलियां दाग के उसनू मौत दे घाट उतारिया गया। दसिया जा रहा है कि उसकी रंजिश सीगी किसी दे नाल, उसनू सोशल मीडिया राही जिहड़ियां ने धमकियां आ रही सी, जानों मारन दीयां धमकियां दित्तियां जा रही सी ते अज उसका कतल कर दिता गया। बेदर्दी दे नाल उसनू मौत दे घाट उतार दिता गया। सरपंच परिवार नूं तां कह के गया सी कि कटिंग करवाउण चलिया पर की पता सी मुड़ वापस घर नहीं परतेगा, उसका बेदर्दी दे नाल कतल ही कर दिता जाएगा। तो तरन तारण दे विच ये हादसा वापरिया है जिथे चढ़दे दिन ही सरपंच का कतल किया गया है। गोलियां मार के उसनू मौत दे घाट उतारिया गया है। दो गोलियां लगिया ने सरपंच दे, इलाज दौरान जदों अस्पताल लैके जाते हैं तो डॉक्टरों के वलों उसनू मृतक ऐलान दिता जाता है। हमलावर जिहड़े ने सीसीटीवी कैमरे के उन्हां दीआं तस्वीरां कैद होईआं ने। दसिया जा रहा है कि दो गोलियां लगिया ने सरपंच दे ते उसकी मौत हो गई है। तो यह सामने आया कि जर्मनी दे विच रहण वाले किसी शख्स दे नाल उसकी रंजिश सीगी। कुछ दिनों तो उसनू सोशल मीडिया के उत्ते धमकियां दित्तियां जा रही सी जानों मारन दीआं ते अज उसते जानलेवा हमला कर उसनू मार दिता जाता है, मौत दे घाट उतार दिता जाता है। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे के विच कैद हुई है जिस दे विच दो हमलावर जिहड़े ने ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸੋਨੂੰ ਚੀਮੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੂੰ ਚੀਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ।